Neha Sharma. I am a science teacher of SVM Malaikotla. Today we will learn about force and their effects. Firstly, we will learn ki what is force. A force is a push or a pull on an object. Kisi cheez ko push karna means dhakelna aur pull karna means khichna. Isko hum science mein kya kehte hain? Force kehte hain. Like you can see the example ki a man is pushing, dhakel raha hai wo car ko. Aisi ये अपनी हॉकी स्टिक के साथ एक बच्चा क्या कर रहा है, बॉल को पुश कर रहा है. ऐसे ये एग्जांपल यहाँ पे यू कैन सी कि अ बॉय इज किकिंग द बॉल, मींस वो क्या कर रहा है, बॉल को अपनी फुट के साथ पुश कर रहा है. ऐसे एग्जांपल खींचने की एग्जांपल यू कैन सी इन द पिक्चर कि एक जो मैन है वो कार को पुल कर रहा है. ऐसे अ हॉर्स इज पुलिंग द कार एंड ये बॉयज आर पुलिंग, एक गेम खेल रहे हैं, पुल कर रहे हैं एक दूसरे को. ठीक है, तो दीज ये सारी पुश और पुल को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं. नाउ अभी हम फोर्स को देख तो नहीं सकते, बट फोर्स के हम इफेक्ट दे सकते हैं कि अगर हम किसी चीज को किसी चीज पर फोर्स लगाएंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा. तो वन बाय वन वी कैन डिस्कस इट. सो व्हाट अ फोर्स कैन डू. फर्स्टली अ फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव. फोर्स किसी चीज को क्या कर सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकती है. आप किसी चीज को पुश करोगे तो वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्या कर देगी, मूव करवा देगी. नेक्स्ट, अ फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स क्या कर सकती है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकती है. अगर आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो वो क्या हो जाएगी, वो फोर्स क्या कर देगी, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर देगी. थर्ड वन इज अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स क्या कर सकती है, किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है. लाइक यू कैन सी जैसे बैटमैन है, वो क्या कर रहा है, जब उसके तरफ बॉल आती है तो उसको पुश करके अपने बैट के साथ वो क्या कर रहा है, बॉल की डायरेक्शन चेंज कर रहा है. अब बॉल चेंजेस डायरेक्शन एंड मूव्स अवे फ्रॉम द बैट. नेक्स्ट, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. एक फोर्स क्या कर सकती है, मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड भी चेंज कर सकती है. फोर्स स्पीड इंक्रीज भी कर सकती है, फोर्स स्पीड क्या कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है. वो कैसे, वी कैन सी अ फोर्स इन द सेम डायरेक्शन. अगर आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो तो उस ऑब्जेक्ट की क्या हो जाएगी, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी. बट अगर दो लोग किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. तो इन दिस वे फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सो नाउ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स क्या कर सकती है, किसी ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज कर सकती है. लाइक यू कैन सी व्हेन वी पुल अ रबर बैंड, उसको स्ट्रेच करते हैं फोर्स लगा के, तो क्या हो जाती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है. अब जब दोबारा फोर्स रिमूव होगी तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापिस आ जाएगा. सिमिलरली प्रेस अ स्पंज, जब हम स्पंज को प्रेस करते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है. जब फोर्स हटती है वो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है. सिमिलरली स्क्वीज अ स्प्रिंग, जब हम स्प्रिंग को भी क्या करते हैं, अंदर को प्रेस करते हैं, उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. एंड फोर्स जब हम हटाएंगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी. सो दीज आर सम इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स. ये कुछ इफेक्ट्स थे जो फोर्स क्या कर सकती है, जब किसी चीज पे फोर्स लगती है तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं. नाउ हाउ टू मेजर अ फोर्स. अब फोर्स को मेजर करना कैसे है. सो अ फोर्स कैन बी मेजर विद द न्यूटन स्प्रिंग बैलेंस. द एसे यूनिट ऑफ मेजरिंग द फोर्स इज न्यूटन. अब फोर्स को हमारी फिजिक्स लैब में ये एक डिवाइस अवेलेबल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग बैलेंस. इसका इस्तेमाल करके हम पता कर सकते हैं कि हम कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पर. और इसके यूनिट्स क्या है, फोर्स को मेजर करने के यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन. इसका सिंबल क्या है, एन. इन दिस वे यू कैन मेजर फोर्स. नाउ थैंक यू, दैट्स ऑल.